हर साल माघ मास की बसंत पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा की जाती है। इस साल 14 फरवरी 2024 को सरस्वती पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। ये पर्व छात्रों के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन पढ़ाई करना चाहिए या नहीं और इसके नियम के बारे में। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस बार खास सरस्वती पूजा 14 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। छात्र इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती सफेद कमल के फूल पर बैठकर हाथों में पुस्तक और माला लिए प्रकट हुई थी। अगर सरस्वती पूजा के दिन देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाए तो विद्यार्थियों को जीवन में सफलता मिलने के योग बनते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन पढ़ाई करना चाहिए या नहीं। सरस्वती पूजा का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन माता सरस्वती की तस्वीरों के सामने बच्चे अपनी पुस्तक रखते हैं और इनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पर ये इस कारण कहा जाता है कि इस दिन पुस्तक की पूजा की जाती है, इसलिए पढ़ाई नहीं करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक पढ़ाई शुरू करने के लिए सरस्वती पूजा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ही माता पिता अपने छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर का ज्ञान और कलम पकड़ाते हैं। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन बच्चों को देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद माँ को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन देवी माँ को पीले वस्त्र चढ़ाते हैं और केसर अंतिलक या पीला चंदन लगाते हैं। उसके बाद माता सरस्वती के साथ साथ पुस्तकों की भी पूजा करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।